व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स और इसका जो पहला पाठ है वह है सूरज का ब्याह, जो कि कविता है और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो कविता पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके कार्यपत्रक भी करेंगे। तो कविता है, उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। तो उड़ी एक अफवाह मतलब एक अफवाह फैल गई है कि सूर्य की शादी होने वाली है, और वर वर यहाँ पे है सूर्य, सूर्य के विमल मोर में मतलब सूर्य को जो मोर बांधेंगे, जो मुकुट बांधेंगे उसमें मोती पिरोएगी उषा, मतलब भोर जो सुबह है वो मोती पिरोने वाली है। इसके बाद है, मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी। सूर्य की शादी में मोर नाचेंगे, कोयल सौभाग्य के गीत गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी, और लताएं जो हैं वह वंदन वार मतलब सजावट करेगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, सूर्य की शादी होने वाली बात से जीव जंतु सारे खुशी से भर गए और वन की सारी जो पत्तियां है, जो पंक्तियां है वो सारी डोलने लग गई, मतलब खुश हो गई। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, और इन सभी खुशी के बीच में जल के भीतर से एक जो बूढ़ी मछली थी वह बोली, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। वह जो बूढ़ी मछली है सबको सावधान करते हुए कह रही है कि जलचरों, जलचर मतलब जो जल में रहने वाले जीव जंतु है वो, तो जलचरों खुशी में सबके साथ तुम इतने खुश मत हो जाओ। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। सूर्य का ब्याह तो ठीक है लेकिन यह बात तुम मत भूलो, एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। केवल एक सूर्य के ही कारण हम कितनी कठिनाइयां सहन करते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। पूरी गर्मी जल में रहने वाले जीव छटपटाते रहते हैं गर्मी के कारण। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, अगर सूर्य ने ब्याह कर लिया तो उसके 10-5 पुत्र हो जाएंगे। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा, तब सोचो कि जब इतने सूर्य आकाश में हो जाएंगे, जब एक ही सूर्य का इतना अधिक तापमान है तो उसके जो पुत्र हो जाएंगे वह भी सूर्य बन जाएंगे, और उनका जो तापमान हो जाएगा वह कौन सहन कर पाएगा, तो बहुत अधिक तापमान इसी स्थिति में हो जाएगा। अच्छा है सूरज कवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। सूरज अच्छा है कि वह कवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, वह अकेला है, और सूर्य का ब्याह इस जगत के खातिर तो बड़ा झमेला है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी कविता सूरज का ब्याह, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अब हम इसके कार्य पत्रक करते हैं। तो कार्य पत्रक में सबसे पहला जो है यहाँ पे है श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। कार्य पत्रक एक है, श्रुतलेख लिखना है, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना है, तो इसमें शिक्षक बोलेंगे और बच्चा लिखेगा, वहां पर कक्षा में करना है आपको। इसके बाद है कार्य पत्रक दो, अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो यहाँ आपको अपनी पसंद की कोई सी भी कविता लिख देनी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, ठीक है। तो यह कविता आप लिख सकते हो और इसको और आगे भी लिख सकते हैं हम, लेकिन इतना भी पर्याप्त है। इसके बाद है कार्यपत्रक तीन, निम्नलिखित शब्दों में कुछ तत्व और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित है, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे हमको तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग करने हैं। जो तद्भव शब्द हमें यहाँ लिखने, तत्सम यहाँ, फिर तद्भव यहाँ, तत्सम यहाँ लिखने हैं। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, हस्त। तो हस्त जो है तत्सम शब्द है, तो हम तत्सम में लिखेंगे हस्त।
इसके बाद है मिट्टी, मिट्टी तद्भव शब्द है तो हम यहाँ लिख देंगे मिट्टी। इसके बाद है साग, साग भी तद्भव शब्द है तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है मोर, मोर भी तद्भव शब्द है। अगला है भीत, भीत तद्भव शब्द है। अगला है स्वप्न, स्वप्न तत्सम है। मृत्तिका, मृत्तिका भी तत्सम शब्द है। इसके बाद है शाक, शाक जो है तत्सम शब्द है। अगला है चंद्र, चंद्र भी तत्सम है। समुद्र, समुद्र तद्भव शब्द है। झरना, तो झरना भी तद्भव है। इसके बाद है श्रृंखला, तो श्रृंखला तत्सम शब्द है। इसके बाद है हाथ, ठीक है, हाथ तद्भव शब्द है तो हम यहाँ तद्भव में लिखेंगे हाथ। इसके बाद है गोरा, गोरा तत्सम शब्द है तो हम यहाँ लिख देंगे गोरा। सपना तद्भव शब्द है तो हम यहाँ लिखेंगे सपना। इसके बाद है हस्ती, हस्ती तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम है हस्ती। इसके बाद है चांद, चांद तद्भव शब्द है तो हम यहाँ लिखेंगे चांद। इसके बाद है विद, विद जो है यह तत्सम शब्द है तो हम यहाँ लिख देंगे विद। इसके बाद अगला शब्द है पात, पात तद्भव है तो हम यहाँ लिख देते हैं पात। अगला है मछली, मछली तद्भव शब्द है तो मछली भी हम यहाँ लिख देते हैं मछली तद्भव में। इसके बाद कान, कान भी तद्भव शब्द है तो यह हमको तद्भव में ही लिखना है तो हम यहाँ लिख देते हैं कान। इसके बाद हिरण भी तद्भव शब्द है तो हम हिरण यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग चार्ट कर लिख दिए हैं। इसके बाद अगला कार्यपत्रक चार है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो समान तुक वाले शब्द, तुक वाले मतलब जिसमें समान ध्वनि निकल रही है, ठीक है, समान ध्वनि वाले शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। तो यह शब्द दे रखे दुकान, सपना, दिला, गटिया, किला, गाएगा, हाथ, नारा, मान, नहर, बात और अकेला, ठीक है। तो हम समान तुक वाले शब्द चार्ट कर लिखेंगे। तो यहाँ लिखा कहर, कहर के समान तुक वाला हो जाएगा नहर तो हम यहाँ लिखेंगे नहर। कान, कान का समान हो जाएगा तुक वाला मान। इसके बाद है रात, तो रात के सामने हम लिख देंगे बात। अगला है मकान, मकान के सामने हम लिख देंगे दुकान। इसके बाद अगला शब्द है अपना, अपना के सामने आ जाएगा सपना। इसके बाद है साथ, तो साथ के सामने आ जाएगा हाथ। अगला शब्द है तारा, तारा के सामने आ जाएगा यहाँ पर नारा। अब है बिटिया, बिटिया के सामने आ जाएगा यहाँ पे घटिया। इसके बाद है खिला, खिला के सामने आ जाएगा दीला। छीला, छीला के सामने कीला। सजाएगी, सजाएगी का समान तुक वाला है गाएगी। झमेला, इसके सामने है अकेला, ठीक है। तो इस प्रकार समान तुक वाले शब्द हम लिखकर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद है कार्यपत्रक पांच, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। तो हमें शब्दों का अर्थ लिखना है। जैसे पहला शब्द है अफवाह, तो अफवाह का आएगा उड़ती हुई खबर, उड़ती हुई खबर। उड़ती हुई खबर मतलब जो खबर सही नहीं है, केवल ऐसे ही फैल रही है, वो उड़ती हुई खबर। इसके बाद है मोर, मोर का समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा मुकुट। विमल, विमल का हो जाएगा सुंदर। अगला है उषा, तो इसका है भोर या सुबह, ठीक है, सुबह। सुहाग, तो सुहाग का हम लिख देंगे सौभाग्य। इसके बाद अगला शब्द है विटप, विटप मतलब वृक्ष। इसके बाद अगला है मंडप, तो यहाँ पे आ जाएगा छाया या तंबुआ। इसके बाद है वितान, वितान का अर्थ है विस्तार। पात, पात मतलब पंक्ति, पंक्ति।
इसके बाद है वृद्ध, तो वृद्ध का आ जाएगा बूढ़ा। इसके बाद है वंदनवार, वंदनवार मतलब यहां पर हो जाएगा सजावट। जलचर, जलीय जीव, जलचर होते हैं जलीय जीव। विपद, विपदा। प्रचंड, भयानक। खातिर, खातिर मतलब आओ भगत। कवारा, इसका अर्थ लिख देंगे अविवाहित। ताप, तापमान या गर्मी भी लिख सकते हैं। इसके बाद है वंश विहीन, तो यहाँ आ जाएगा निह संतान, ठीक है, जिसकी कोई संतान ना हो तो निह संतान। इसके बाद है झमेला मतलब गड़बड़। छटपट, छटपटाना, ठीक है। इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। इसके बाद है कार्यपत्रक 6, तो यहाँ पर हमें बताया गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनना है, ठीक है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ हमें काव्यांश मतलब एक कविता दे रखी है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो कविता है कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो यहाँ पे कविता है और अब प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न पहला है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यहीं पे है हकीकत में मेहनत, ठीक है। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत, तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो यहाँ उत्तर आएगा मेहनत। जो अपनी किस्मत रचते उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखकर भी हम बता सकते हैं, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, ठीक है। जो अपनी किस्मत रचते उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साहसी, ख वाला सही है। इसके बाद है सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो यहाँ पे लिखा है खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, तो यहाँ पे आ जाएगा सच्ची खुशी का हकदार कौन है, खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला या दुख सहने वाला, ठीक है, दुख सहने वाला, तो यहाँ आ जाएगा दुख सहने वाला, घ वाला उत्तर राइट होगा। इसके बाद है किसका अंधकार मिटाना है, तो यहाँ पे निराशा का अंधकार, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, तो यहाँ आ जाएगा निराशा का अंधकार मिटाना है। किसका अंधकार मिटाना है, हताशा का, आशा का, निराशा का या भाषा का, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा निराशा का, इस पर राइट लगा देंगे हम। प्रश्न नंबर 5वां है किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो इसका उत्तर भी ऊपर से देखकर लिख सकते हैं। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, तो भाग्य की दुहाई छोड़ने से किस्मत बनती है। इसके बाद 6ठा है जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, तो ग वाला उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 7 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है, एक अनुच्छेद लिखना इस चित्र को देखकर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सुबह का समय है, सुबह का समय है, इस चित्र को देखकर ही लिखना, आप अपने अनुसार अपने मन से लिख सकते हो। सूर्योदय हो गया है, झरना बह रहा है, क्योंकि यहाँ पे झरने का भी चित्र है, ठीक है, झरने का चित्र है, और ये चिड़िया जो उड़ती हुई दिख रही है, पक्षी
उड़ने लग गए हैं। चारों ओर हरियाली है, प्राकृतिक सुंदरता भी है। लेकिन अब यहाँ देखो, ये जो पक्षी है ये तो एक पिंजरे में बंधा है, ठीक है, पिंजरे में बंधा हुआ है, यहाँ पे अंदर बैठा है और ये कुछ गा भी रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन एक पक्षी पिंजरे में है, वह बाहर उड़ना चाहता है, क्योंकि कैद में रहना गुलामी है। वह स्वतंत्रता चाहता है। तो इस प्रकार से हमने एक अनुच्छेद लिख दिया है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, अपनी एक कहानी जैसा बनाकर या फिर वाक्य भी लिख सकते हो। इसके बाद जो कार्यपत्रक 8 है, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो आप सुबह से उठकर क्या क्या करते हो वह लिख सकते हो अपने अनुसार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आज सुबह उठकर मैंने अपने माता पिता, ठीक है, माता पिता व दादा दादी को प्रणाम किया। ब्रश करा और ताजा पानी पिया। पानी पीकर फिर कुछ देर बाद मैंने दूध पिया और फिर मैं पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करके मैंने घर के कार्यों में सहायता की। फिर मैं तैयार होकर स्कूल गया। वहां सबसे पहले प्रार्थना सभा में प्रार्थना की और गुरुजनों का अभिवादन किया। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो सुबह से लेकर आपने क्या क्या किया है। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यह कार्यपत्रक 8 हो गया है। और
इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।